वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पर भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि जनता नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को माफ नहीं करेगी, जनता इसका करारा जवाब देगी। देश के प्रधान सेवक के खिलाफ ऐसी टिप्पणी देश और छत्तीसगढ़ की जनता को मंजूर नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि पहला डंडा हम भाजपा कार्यकर्ताओं को मार के देखो, हम हैं मोदी, अगर है हिम्मत तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर डंडा चलाओ, मोदी तो बहुत दूर है। और जिस अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आपके नेता कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया है, तो जनता ने उनको सजा दिया है, जनता ने उनको जवाब दिया है। कोई मौत का सौदागर बोला तो उसका भी जवाब जनता ने दिया, किसी ने चौकीदार के बारे में जो शब्द का प्रयोग किया तब भी जनता ने जवाब दिया, जिसने चाय वाले का मजाक उड़ाया तब भी जनता ने जवाब दिया। और माननीय मोदी जी ने इन गालियों को हमेशा गहना समझकर अथी किया है, और आने वाले समय में फिर जनता खड़ी है 2024 में। छत्तीसगढ़ की जनता भी अपने नेता को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कांग्रेस की नेता कर रहे हैं, इसका जवाब उनके गाल के तमाचे के रूप में 11 के 11 कमल खिलाकर देगी।